क्यों मौजूद हुए। ये चिंतन करने के लिए चिंतक बैठक है हमारी, जो पहली बार हमारे प्रदेश ने यहाँ पर संयुक्त मोर्चा की बैठक बुलाई। हम सभी को, हमारी प्रभारी राजकर जी को एवं हमारे अध्यक्ष भाई श्री दीपेश भाई को आभार और धन्यवाद करना चाहिए कि हम सबको एक मंच पर लाके उन्होंने रख दिया। तो आज सभी मोर्चा की ओर से सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही में जो हमारी बहन ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही लंबा लिस्ट, मैं समझता हूँ वो भी फिर भी कम है, क्योंकि 2014 से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसे कार्य किए जिससे कि आज देश एक अलग दिशा की ओर बढ़ रहा है। पूरे विश्व की नजर आज हमारे देश के ऊपर है। जो जो कार्य आज हमारे प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने किए हैं, उसकी गर्वता अगर किसी को सबसे ज्यादा होनी चाहिए तो हम सब कार्यकर्ता होनी चाहिए। आज यहाँ पर जिस तरीके से मैडम राहतकर जी हम सभी को मौका दे रही थी, ये चाहती है क्या हम ऐसे ट्रेन हो कि आगे आने वाले दिनों में, जैसे कि हमको आज मौका दिया गया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए हम हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाए, राष्ट्र में जो भी बात होती है वहां तक हमारे प्रदेश की बात को पहुंचाए। जो आज जो भी प्रस्ताव यहां पर रखा गया है, जो 2014 से लेकर 2021 में जब हम खड़े हैं तब जितने भी ये साल है उनमें जो हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं, जो प्रगति की है, जो लोगों के लिए कार्य किए, गरीब शोषित वंचित गांव जमीन किसान सबके लिए जो काम किए, इसका लेखा जो का यहां पर पेश हुआ है। साथ में मैं आपको इसमें मैडम ये ऐड करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी ओबीसी में जाने का। मैं अभी जो केवड़िया में जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी 3 दिन की, वहाँ पर मैं होके आया और हमारे जो राष्ट्रीय जो महामंत्री जी है बीएल संतोष जी, उन्होंने कुछ बातें खास जो बताई है मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी सारी बातें हमने जान ली। यहाँ पर महिला मोर्चा है, यहाँ पर युवा मोर्चा है, यहाँ पर किसान मोर्चा है, माइनॉरिटी मोर्चा है, SC ST मोर्चा है, सभी मोर्चा है, और इन सभी मोर्चों में ओबीसी मोर्चा भी है। आप सभी ने ओबीसी कोई ना कोई होगा, जैसे कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, हमारी सरकार ने आपने देखा होगा कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी एक ऐसा ओबीसी मोर्चा है जो अपने हक के लिए लड़ रहा था। और 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद उन्होंने देखा कि ओबीसी को न्याय नहीं मिल रहा है, अदर बैकवर्ड क्लास जैसे कि SC ST का यहाँ पर कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, वैसे ओबीसी का कोई कमीशन नहीं था। मैं आज ये ऐड करना चाहूँगा कि 2018 में हमारी सरकार ने पहली बार ओबीसी को ये अधिकार देते हुए ओबीसी का कमीशन बनाया, जिससे कि आज ओबीसी के पूरे भारतवर्ष पे करीबन 52% लोग हैं जिनको न्याय अगर किसी ने दिलाया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिलाया। तो मैं मैडम से गुजारिश करूँगा कि ये बात को यहाँ पर हमारे आज के प्रस्ताव में ज्वाइन किया जाए। साथ ही में मैं दोस्तों ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये ओबीसी मोर्चा का जो कमीशन बना, उसके बाद जो अधिकार ओबीसी लोग के लोगों को दिया गया, उसके बारे में हम अलग से यहाँ पर चिंतन बैठक रखेंगे। लेकिन आपको भी ये बताना मैं चाहूँगा कि नीट की परीक्षा हो, UG की, UP की परीक्षा हो, या अन्य कोई भी सरकारी नौकरी में प्रावधान की बात हो, तो ओबीसीयों को 2018 से लेकर हमारी सरकार ने अधिकार दिया है। उसकी सूची हमें केंद्र की, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस है उसकी ओर से दी गई है, वो हम सभी मोर्चा के अध्यक्षों को भी भेजेंगे। ओबीसी मोर्चा एक नया मोर्चा है, उसकी अभी रचना गठन अभी होना बाकी है। अभी हमारे संगठन महामंत्री विवेक जी से इस बारे में बात हो रही थी, तो प्रदेश अध्यक्ष दीपेश भाई और हमारी प्रभारी विजय राहनकर जी से मिलकर प्रदेश में ओबीसी की हम नई रचना करने जा रहे हैं। तो आप में जो भी इच्छुक व्यक्ति है, जो भी हमारे कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान है, जो काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आगे बढ़ के आए। मैं दूसरा ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग सब यहाँ पर बैठे एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। अभी जैसे हमारी प्रभारी जी ने हम सबको मौका दिया कि आप दो शब्द बोलिए, हम सबको ऐसा लगता है एक फियर होता है माइक जैसे हाथ में, हमारे भाई ने जैसे बताया, हमारी बहन ने वहाँ से बताया, माइक हाथ में पकड़ने से फियर होता है, सबको होता है। हम लोग भी अगर यहाँ पर हम बैठे हैं तो हम भी एक जमाने में ऐसा था कि जैसे ही माइक आता तो हमको डर लगता था, लेकिन हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। आज आप यहाँ पर बैठे हो तो पार्टी ने आपको एक मौका दिया है, आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, आपको ये मौका दिया है कि आज जो सरकार जो काम कर रही है वो काम आपको जनता तक पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है। इतनी सारी बातें हमारी बहन ने यहाँ पर बताई, लेकिन ये घर घर तक कब जाएगी, जब इसका जिम्मा हम लेंगे, और वो जिम्मा कब हम पूर्ण कर सकते, जब हम में खुद में कॉन्फिडेंस होगा। तो कॉन्फिडेंस को जागृत करने की आवश्यकता है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये परिवार है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि किसी को बोलने में गलती हो सकती है,
हमसे भी हो सकता है, हम इतने सालों से भाषण देते हैं फिर भी उसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि हमारे बोलने में कभी गलती हो सकती है, लेकिन यही परिवार, यही स्टेज है और यहीं से हमें सीखना है। तो आगे कभी भी ऐसे आगे आने वाले दिनों में प्रशिक्षण का भी माहौल होने वाला है, प्रशिक्षण आगे मैडम डिक्लेयर करेंगी, तो उसमें हमें ट्रेन होना है। हम ट्रेन होंगे तभी हम हमारे जो भी हमारे नेता है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृहमंत्री, हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र से काम कर रही है, एक जवाबदारी पूर्वक काम कर रही है, उसको हमें नीचे तक पहुंचाने का काम करना है। तो दोस्तों हमें बिल्कुल तैयार रहना है उसी बात के लिए। बीएल संतोष जी ने जो मुख्य दूसरी बातें भी कही थी कि कार्यकर्ता में क्या होना चाहिए, परिश्रम यानी हार्डवर्क। एक एक कार्यकर्ता को परिश्रम, अपना खुद को हार्डवर्क करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, उसमें कमिटमेंट होने की आवश्यकता है। कोई भी कार्यकर्ता अगर कमिटमेंट नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने खास इसके ऊपर जोर दिया है, तीन बातों के ऊपर, कि एक तो हार्डवर्क होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए और स्किल, खुद में कुछ क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि मैं मेरी पार्टी के लिए ये कर सकता हूँ। जैसे मैं ओबीसी, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं सदस्य हूँ, तो उन्होंने सवाल पूछा, आप लोग भी जैसे माइनॉरिटी में है, आज युवा मोर्चा में है, महिला मोर्चा में, तो हम लोग क्या करते हैं, शादी में जाते हैं, हम हमारे समाज में जाते हैं, तो हम वहाँ पर जाके क्या करते हैं जिससे कि हमारी पार्टी को, हमारे जो जो भी हमारा संगठन है उसको फायदा हो सके, हमारा जो मोर्चा है उसका फायदा हो सके। तो उन्होंने उस बारे में भी चिंतन किए, जिसको हमें भी उतारने की आवश्यकता है। हमें हमारे समाज में, हमारे मोर्चा में, हमारे जो जैसे महिला मोर्चा है तो उनमें जो भी कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता अगर है तो उसकी पहचान करने की आवश्यकता है, उनको हमारी पार्टी के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। क्या हम लोग ये कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? काफ़ी सारे पब्लिक हम फंक्शंस में जाते हैं, काफ़ी सारे समारोह में जाते हैं, हम हमारे फैमिली फंक्शंस में भी जाते हैं, तो हम इतना तो कर सकते हैं ना कि पार्टी के लिए हम कैसे कार्यकर्ताओं को हम चुन के हम पार्टी में जोड़ सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो ये कार्य हमें करने की आवश्यकता है। बाकी बहुत सारी बातें आगे कह दी, और साथ ही में सिलवासा के चुनाव के बाद ये शायद हम लोग पहली बार इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मिल रहे हैं, और हमारी बहन ने इस बारे में भी यहाँ पर बताया कि हार और जीत तो है, सिक्के के दो पहलू है, हमने मेहनत की, परिणाम जो भी आया, जनता ने जो भी परिणाम दिया, लेकिन उससे मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। तूफान में ताश के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े हुए मुकद्दर नहीं बनते, जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते। तो दोस्तों हमें हमारे हौसले को मजबूत रखना है, आगे बढ़ना है, पार्टी ने जो जवाबदारी हमें दी है उसके लिए हमें गर्व लेना है कि हमें ये मौका मिला है और ये मौके को बेखूबी हमें निभाना है। तो आज इसी के साथ जो मुझे मौका दिया, मैं पुनः एक बार जो संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर हमारे प्रभारी जी, अध्यक्ष जी और हमारे संगठन मंत्री जी ने जो बुलाई, मैं धन्यवाद करता हूँ और ये प्रस्ताव जो है उसको पारित करने की सिफारिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।